नमस्कार, मैं हूं ओमकार दास और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है क्योंकि आज एक ही दिन तीन अच्छे दिनों के साथ शुरू हुआ है, जैसे कि आज रविवार है और फादर्स डे, म्यूजिक डे और योगा डे। तो फादर्स डे के लिए मैं अपने पिताजी और दुनिया के सारे पिताओं को फादर्स डे का विश करता हूँ। मैं संगीत से जुड़ा हूँ, इसलिए हैप्पी म्यूजिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो योगा डे के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं मेरे वीडियो की ओर। आज 21 जून 2020 जो योगा दिवस के नाम से सारे भारतवर्ष में पालन किया जा रहा है। योगा एक ऐसी चीज है जो आपको सुस्त रख सकते हैं और आपके मन को शांत रख सकते हैं। आप खुद योगा करें और अपने परिवार लोगों को बोलें कि योगा करें और इसके प्रणाली भी बता दें। योगा करने से ये कोरोना जैसे बहुत सारे बीमारी हमसे दूर भाग सकते हैं। आज कोरोना के वजह से हम सब अपने परिवार के साथ घर पे ही हैं। कुछ कोविड योद्धाओं को छोड़कर हम आज रविवार के वजह से अपने घर में हैं। तो आज के दिन से हम योगा के स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बताए हुए हैं कि योगा ही हमें सब कुछ दिला सकता है, जैसे कि सारे बीमारियों से बचा सकता है। तो योगा के बारे में बताता हूँ। योगा दिवस 2014 से शुरू हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये प्रचलन हुआ था। 2015 में इसे शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि योगा करने से हमें मन की शांति और शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो ये एक प्राकृतिक उपाय है जिससे हमें जीवन में सारे सुख मिल सकता है। तो मैं योगा के बारे में आज बताता हूँ। योगा तीन चीज़ों से बनता है, जैसे कि आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये तीनों चीज हमें एक ऐसी रास्ते पे लाते हैं जो कि हमारे जीवन के जो भी बीमारी आते हैं, जो भी तनाव आते हैं, उससे हमें राहत मिलता है। तो ध्यान करने से हमारा मन को शांति मिलता है। ध्यान करने का प्रणाली ऐसा है कि हम लोग एक शांति जगह चुने और वहाँ पे अपने को शांत बैठकर आराम से अपने सांस को अंदर लें धीरे धीरे और धीरे धीरे बाहर छोड़ें, ताकि हमारा मन शांत रहे। जिन लोगों को कोई भी चीज़ से तनाव है, वो ध्यान से ही आपको राहत मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर के अंदर जो जो बीमारी है वो ठीक हो सकता है। मुझे तो कुछ ही प्राणायाम पता है। मैं रामदेव बाबा के चैनल, जो आस्था के चैनल से मैं कुछ प्राणायाम सीखा हूँ, मेरे माँ करते हैं, मैं उनसे सीखा हूँ। जैसे कि अनुलम विलम और कपालभाति। अनुलम विलम करने से आपके जो सांसों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकते हैं, और कपालभाति करने से आपके जो पेट के अंदर जो जो बीमारी है वो ठीक हो सकता है। तो अब हम देखते हैं आसन के बारे में। आसन एक अनोखा चीज़ है, जैसे कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी आसन है जिसमें सारे आसनों के कुछ चीज़ों बैठी हुई हैं। तो आप आसन करने से आपके शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपके बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है, ताकि आप कोई भी काम करो आप बिना कष्ट के कर जाते हैं। आसन के वजह से आपको शरीर को फुर्ती मिलती है और थकापन से राहत, इसलिए आसन भी करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ योगा के अंदर आते हैं और
आप दिन में कम से कम कुछ टाइम तो योगा के लिए दे सकते हैं, जिसके दौरान आपको बहुत सारे बीमारियों से राहत मिल सकता है। जैसे कि अब करोना चल रहा है, ये करोना जैसे बहुत सारे बीमारी हमसे दूर भाग सकते हैं इस योगा के वजह से। तो योगा हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और हमें और ताकतवर बनाता है अंदर से, प्राकृतिक उपाय से। मुझे ये सब पता होने पर भी मैं ये सब नहीं करता था, क्योंकि मैं आलसी हूँ। और पर ये जो कुछ सालों से मैं इसके बारे में पता लगा चुका हूँ, इसके जो इससे हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं ये पता लगा चुका हूँ। तो मैं तो जिमिंग करता था, पर इस लॉकडाउन के वजह से मेरा जिम बंद पड़ा हुआ है। तो मैं अपने घर में जिमिंग करने के साथ साथ ध्यान और प्राणायाम करता हूँ। पर आज से स्टार्ट करूँ ये जो सूर्य नमस्कार और कुछ आसन स्टार्ट करूँगा। आपके पास ये वीडियो आने तक ये दिन ख़त्म हो गया होगा या ख़त्म होने वाला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे बातों पे कुछ आप बातों से आप कुछ सीख सकें या योगा करने का मोटिवेशन आ भी जाए, तो योगा ज़रूर करना। अगर आप सब आज योगा नहीं कर पाए तो कल से ज़रूर शुरू कीजिएगा, क्योंकि योगा करने से इस करोना जैसे हजारों बीमारी भी आए ये हमें छू तक ना सकेगी। तो योगा करते रहें, अपने शरीर को सुस्त रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो के दौरान मुझे कुछ ज्ञान मिला है और आप लोगों को ज्ञान देते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने बड़े या छोटों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। योगा के बारे में आपको जो भी पता है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के साइड एक बेल आइकन है, उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसे दबाने से मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरा वीडियो एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, सुस्त रहें और इस लॉकडाउन का पालन करें। तो जय हिंद, जय भारत।